नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड दोस्त सुशांत। आज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बोले स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज में। साथियों, आज के करंट इशूज में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोगों के बीच सुर्खियों में चल रहा है और क्यों हम लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, यह घटना है थर्सडे की, मतलब 17 मार्च की यह घटना है, 17 मार्च की घटना है, जिस दिन 17 मार्च थर्सडे की रात की ये घटना है, जिस दिन लोगों के द्वारा होलिका दहन जो त्यौहार था उसका आनंद लिया जा रहा था, होलिका दहन सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस दिन की ये घटना है। इस्कॉन काहकान टेम्पल इन बांग्लादेश ढाका वेंडलाइज्ड बाई 150 एक्सट्रीमिस्ट, मूर्ति अटैक, मनी लूटेड, डिस्टर्बिंग विजुअल्स। मतलब कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं का एक मंदिर है, इस्कॉन संस्था के द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, राधाकांत टेम्पल है, जिसके ऊपर 150 एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि जो 150 चरमपंथी थे, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करने वाले 150 चरमपंथियों के द्वारा अटैक किया गया, मूर्ति के ऊपर अटैक किया गया, कुछ वैल्यूबल चीज़ों को लूटा गया, मनी वगैरह को लूटा गया। मतलब वहाँ का जो दृश्य था वो डिस्टर्बिंग विजुअल्स था, परेशान करने वाला दृश्य उभर करके सामने आया। ये घटना 17 मार्च थर्सडे की है। जब इस तरह का चीज़ हुआ तो वहाँ पे एक ट्विटर पे एक अकाउंट है वॉइस बांग्लादेशी हिंदू, वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू करके एक अकाउंट चलता है ट्विटर पे, उस अकाउंट के द्वारा ये टीका टिप्पणी किया गया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 15 मार्च को जब 15 मार्च को इंटरनेशनल डे इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए 15 मार्च को जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक इस्लामोफोबिया डे घोषित किया गया, उसके बाद जब यह घटना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा आपस में डिबेट का मुद्दा बन गया। और इस तरह का जब चीज हुआ तो वहाँ की जो संस्था है इस्कॉन, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, मतलब कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सोसाइटी है, जिसका मुख्य मकसद है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया गया श्लोक था, जो उनका विचार था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको लोगों के बीच पहुँचाना, तो इस्कॉन के द्वारा इसका देख रेख किया जा रहा था। जब इस तरह का चीज़ उभर करके सामने आया तो इस्कॉन के द्वारा इसका रिपोर्ट जो है वहाँ के जो एम्बेसडर है एम्बेसडर से किया गया, और साथ ही साथ इस मुद्दे को मतलब इस चीज़ के ऊपर जो है कड़ी एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की गई इस्कॉन के द्वारा। बात करते हैं कि पूरा मुद्दा मतलब पूरा घटना है क्या। साथियों, 17 मार्च थर्सडे की यह घटना है कि जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो हिंदू थे, मतलब जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उस दिन हिंदू समुदाय के द्वारा होलिका दहन त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा था। उस दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राधाकांत टेम्पल के ऊपर 150 मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करने वाले 150 एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा हमला किया गया, जिसमें मूर्ति के ऊपर अटैक किया गया, मनी को लूटा गया, मार धार किया गया, मतलब कुछ लोगों को घायल भी कर दिया गया, जो वहाँ के कुछ पुजारी लोग थे, ऐसा मतलब ट्विटर से जो न्यूज़ निकल सामने आ रही है उसे मालूम चल रहा है कि वहाँ पे 3 जो पुजारी थे वो घायल हो चुके हैं, और जो भी वहाँ का वैल्यूबल आइटम था उसको लूट लिया गया। अब यहाँ पे विचार करने वाली चीज़ ये है कि 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन में एक बैठक बुलाया गया, 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन में एक बैठक बुलाया गया, जिस बैठक में इस्लामोफोबिया से कॉम्बैट करने के लिए, मतलब इस्लामोफोबिया का मतलब है कि लोगों के मन में इस्लाम धर्म के प्रति जो घृणा है, डर है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए 15 मार्च को इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे घोषित किया गया। जब इस तरह का चीज़ हुआ और यूनाइटेड नेशन में जब डिस्कशन हुआ कि इस्लाम के प्रति लोगों में घृणा बढ़ रही है, लोग डर रहे हैं इस्लाम धर्म से, तो इस तरह की जब चीज़
पे डिस्कशन हुआ और 15 मार्च को जब यह घोषित किया गया, उसके बाद जब यह घटना घटा तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाला यह घटना था और काफ़ी जो है विचारणीय मुद्दा बन गया। जब यूनाइटेड नेशन की 15 मार्च की बैठक जो हुई थी इस्लामोफोबिया डे के लिए, तो उसमें हमारे भारत से यूनाइटेड नेशन में जो बैठने वाले एम्बेसडर थे जिनका नाम है TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह मुद्दा रखा गया कि इस्लाम के प्रति जो लोगों में घृणा और डर है इसको दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर डे रखा जाए, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, तो जब इस तरह का स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया तो भारत की तरफ से जो अपना पात रखने वाले व्यक्ति थे TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा यह बोला गया किसी सिर्फ पर्टिकुलर किसी धर्म में फोबिया नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जा रही। ऐसा बहुत सारा गैर इस्लामिक देश है जहाँ पे अभी भी जो अल्पसंख्यक गैर इस्लाम अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको परेशान किया जाता है, तो सिर्फ पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए इस तरह का डे घोषित करना सही नहीं है। मतलब उनके द्वारा यह बोला गया कि पर्टिकुलर किसी धर्म के प्रति ये चीज़ नहीं किया जाए, इस तरह का चीज़ जो है पर्टिकुलर किसी इस्लाम धर्म में ही नहीं हो रहा, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा समुदाय है, उस समुदाय में इस तरह का चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस तरह का जो घृणा है, जो गैर इस्लामिक समुदाय है उसको प्रताड़ित करना, उसके साथ मारधार करना, धर्म परिवर्तन करना, इन तरह का जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पर्टिकुलर किसी समुदाय को या फिर रिलीजियस को सपोर्ट ना किया जाए, ये बात भारत की तरफ से जो अपने बात रखने यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से अपना जो बात रखते हैं जो एम्बेसडर वहाँ बैठे हुए जिनका नाम TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा यह बात यूनाइटेड नेशन में बोला गया। अब जब यह बात बोला गया तो जब यह घटना घटा जो 15 मार्च को ये चीज़ इस्लामोफोबिया डे घोषित किया गया और 17 मार्च को जब यह घटना घटा तो HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा ऐसा बोला गया कि ये घटना एक 62 ईयर्स के सूफी हैं, 62 ईयर्स के सूफी जिनका नाम है 62 ईयर्स के सूफी के द्वारा सूफी के डायरेक्शन में मतलब उनके दिशा निर्देश में ये घटना किया गया। HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा यह बोला गया कि 62 ईयर्स के एक इस्लामिक मतलब कि ढाका के एक सूफी हैं, उन्हीं के डायरेक्शन में मतलब उन्हीं के भड़कावे में आकर के फेल्ड एक्सट्रीमिस्ट ने इस तरह का काम किया। अब क्या चीज़ है क्या नहीं है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। इनके द्वारा मतलब HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा इस तरह का चीज़ बोला गया। उसके साथ साथ इस्कॉन और साथ ही साथ वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं बांग्लादेश में भारत के जो इन्वेस्टर वहाँ बैठते हैं और बांग्लादेश के जो इन्वेस्टर हैं वह आपस में तो काफ़ी कनेक्ट होकर के और इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब क्यों ये घटना घटा, इसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है और तथ्य है उसको भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों 2016 मतलब अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जैसा कि हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ मतलब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण किया गया, तो उस समय अगर देखा जाए तो जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय बांग्लादेश का जो टोटल पॉपुलेशन था उस टोटल पॉपुलेशन का 13.5% हिंदू रहते थे। लेकिन अगर वर्तमान की मैं बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, 2021 की जो रिपोर्ट है, अगर इस टाइम की मैं बात करूँ तो अभी वर्तमान में टोटल पॉपुलेशन का 6.5% ही हिंदू है। मतलब अगर देखा जाए तो हिंदुओं का जो एक परसेंटेज वह धीरे धीरे डिप्लेट कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम है बड़ाकर करके कुछ नाम उनका बड़ाकर के द्वारा ये बोला गया कि आने वाले 30 सालों के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का पॉपुलेशन, हिंदुओं का नंबर 0 हो जाए। जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके साथ जबरदस्ती, उनके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस प्रकार से आने वाले 30 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 0 हो जाएगी। तो ये काफ़ी चिंतित करने वाला मुद्दा है, काफ़ी चिंतित करने वाला ये स्टेटमेंट है। इस तरह का चीज़ बांग्लादेश में, मतलब ये मुसलमान ही है, ये मुस्लिम समुदाय से ही बिलोंग करने वाले, इस्लाम समुदाय से ही बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा जब यह स्टेटमेंट दिया गया 2016 में द हिंदू में, अगर आप देखते हैं तो उस समय द हिंदू जो न्यूज़ पेपर आता है उसमें 2016 में इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। काफ़ी चिंता करने वाला ये चीज़ है। तो ये घटना सत्यों मतलब न्यू नहीं है, जब से जो भी गैर इस्लामिक स्टेट है, जो इस्लामिक कंट्री है, उस इस्लामिक कंट्री में गैर इस्लामिक समुदाय के ऊपर, गैर इस्लामिक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके ऊपर आए दिन जुल्म उठाई जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके आस्था को ठेस पहुँचाना, इस तरह का चीज़ें मतलब जो है आम मुद्दा बन चुका है। और वहाँ की गवर्नमेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस चीज़ों के ऊपर चुप्पी साधे हुए रहती हैं। एचएएफ के द्वारा जब इस तरह घटना घटा थी, स्कॉन के द्वारा बोला गया कि यूनाइटेड नेशन जब हिंदुओं के ऊपर कोई प्रताड़ना होता है तो उस समय चुप्पी साधे रहती है, लेकिन जब कोई अदर समुदाय के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी घटना होता है तो इनका मुंह खुला हुआ रहता है। ये चीज़ स्कॉन के द्वारा बोला गया। तो देखने वाली चीज़ है कि अब इस तरह का घटना कब रुकेगा, कब जो एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर प्रताड़ना करना, उसके आस्था को ठेस पहुंचाना, दुर्व्यवहार करना, इस तरह की चीज़ें जो है कब तक रुकेगा। देखने वाली चीज़ यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का निर्माण जिस वर्ग के लिए किया गया था, जिस कार्य को सही से करने के लिए किया गया था, क्या वह करेंगी या फिर ऐसे ही चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। बाकी जिस तरह से जो भी अपडेट होगा बाकी प्रोजेक्ट लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो, आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।